हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स आने वाला है, आपको पता है मई के अंदर शेड्यूल किया गया है और मोस्ट प्रोबेबली मई में हो जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो 1 वीक आगे जाएगा, जून के अंदर फर्स्ट वीक में हो जाएगा पेपर आपका, इससे आगे नहीं जाएगा। आपने यहाँ पर कई बार कुछ इंटरव्यू सुने होंगे, कई बार आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी कि किस कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका कभी प्रीलिम्स नहीं रुकता, क्योंकि प्रीलिम्स जो है सबसे बड़ी हर्डल होती है स्टूडेंट लाइफ में कि बच्चों का प्रीलिम्स पास नहीं होता। बार बार पेपर दे रहे हैं, कभी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, कभी एचएएस का एग्जाम दे रहे हैं, कभी किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होता। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कभी प्रीलिम्स रुकता ही नहीं है, तो आपकी और उनकी तैयारी में क्या डिफरेंस है, आपको ये जानने की जरूरत है। और अगर आपने ये जान लिया और ये जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपने ये अपना लिया तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। और मेंस और इंटरव्यू बहुत अलग चीज है, उसकी तैयारी की जा सकती है, लेकिन प्रीलिम्स इतना वास्ट है कि इसकी तैयारी बच्चे सालों साल करते रहते हैं और प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होता। तो आज मैं आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का जो तरीका है वो बताऊंगा। अगर आपने एचपीएससी का फॉर्म भरा हुआ है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की है, ठीक है? तो ध्यान से पूरी चीजों को सुन लीजिए। आप लोग क्या करते हो, जैसे आपके पास जो भी बुक्स होती हैं, स्पेक्ट्रम की बुक, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, आप लोग जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं या कोई महेश बर्नवाल फॉलो करता है, अलग अलग बुक्स फॉलो करते हैं, वो मैंने बुक लिस्ट भी दी थी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन जब लास्ट 1 मंथ बचता है, 1 महीना बचता है, तो क्या हम वही बुक्स वही स्ट्रेटेजी फॉलो करें लास्ट महीने के अंदर? नहीं बच्चों, लास्ट महीने में वो स्ट्रेटेजी कभी फॉलो नहीं होती जो आप लोग पूरा 1 साल पढ़ रहे हो। आपने पूरा 1 साल अपनी समझ को बढ़ाया, अब लास्ट 1 महीना चीजों को सिर्फ रिवाइज करना है, चीजों को बार बार याद करना है कि ये मेरे एग्जाम में आएगा और मुझे ये चीजें याद रखनी है। चलिए वो बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर आप ये पूरा मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये आपने पूरा अगर फॉलो कर लिया 30 दिन तक लगातार, 30 दिन लगातार, और एक दिन में मिनिमम 4 घंटे, चाहे आपको जॉब कर रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, आई डोंट नो कि आप लोग किस फील्ड में अभी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 4 घंटे, मैक्सिमम आप लोग 5 घंटे लगा सकते हो, मैक्सिमम 8 घंटे भी लगा सकते हो। अब जितनी मेहनत ज्यादा आप लोग करोगे उतने ही आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करनी है, अगर आप वो फॉलो कर लेंगे तो आपका जो है प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, ये श्योर श्योर है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9896160956, इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी जो काम आने वाला है ये नंबर। कैसे काम आएगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जितने भी फ्री क्लासेस होती हैं, जितने भी अपडेट्स रहती हैं आपको चैनल पर मिलती हैं, चाहे कोई एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे कोई डिले हो रहा है एग्जाम में, जो भी चेंजेस होते हो आपको इस चैनल पर मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग होंगे, जिसके अंदर हरियाणा जीके भी इंक्लूडेड रहेगी, पूरा सिलेबस जो लेटेस्ट सिलेबस है, लेटेस्ट पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सिर्फ 1100 पेजेस है। अब यहाँ पर आपको 1100 पेजेस लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा होगी 1100 पेजेस, नहीं स्टूडेंट, 1100 पेजेस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पॉलिटी की सारी पॉलिटी की जो किताब है लक्ष्मीकांत, उसके अंदर ही 1200 पेजेस है, सिर्फ पॉलिटी की किताब के अंदर, बाकी किताबें तो छोड़ ही दीजिए। टोटल 1100 पेजेस में आपका सारा सिलेबस कवर है विद हरियाणा जी के। आपको एवरेज डेली 36 पेज पढ़ने हैं, कोई बच्चा 40 पेज भी पढ़ सकता है, 40 पेज पढ़ने और याद करने रिवाइज करने कोई मुश्किल नहीं है एक दिन के अंदर। दूसरा, आपको क्वेश्चन बैंक डेली प्रैक्टिस करना है, इसमें 23,000 क्वेश्चन है, डेली आपको एवरेज 300 क्वेश्चन करने हैं। अब आप सोचोगे कि सर अगर आप 300 क्वेश्चन डेली करेंगे तो इस तरह से तो 9,000 क्वेश्चन ही हो पाएंगे 1 महीने के अंदर, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हैं, रिपीट किस तरह से, एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर बार बार जो है अलग अलग वे में पूछ सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग बीच में स्किप भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे आपको 23,000 के 23,000 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने होते हैं, आपको इसमें से सिर्फ 15 से 18 हजार क्वेश्चन है जो आपको ध्यान से एक बार देखने हैं, और ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, जब आप नोट्स पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर नोट्स के अंदर है, चैप्टर का नाम नोट्स है, वही नोट्स में है, वही आपका चैप्टर का नाम क्वेश्चन बैंक के अंदर है। क्वेश्चन बैंक आपको सब्जेक्ट वाइज प्लस चैप्टर वाइज दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपने नोट्स और क्वेश्चन बैंक फॉलो कर लिया, आपको तीसरी कोई भी चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रीलिम्स आपका इन्हीं चीजों से कवर हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ ले लेने से या फिर आपको परचेज कर लेने से आप लोगों का एग्जाम पास नहीं होगा, इनको लगातार पढ़ना। अगर आप 30 दिन लगातार नोट्स और क्वेश्चन बैंक डेली पढ़ेंगे, 2 घंटे नोट्स के लिए रखिए, 2 से 3 घंटे क्वेश्चन बैंक के लिए रखिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, 500, 700, 1000 क्वेश्चन, 200, 300 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए। आपने देखा होगा पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, क्योंकि वहां पे आपको सोचना भी होता है, माइंड में प्रेशर भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप जनरली बैठे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 100 क्वेश्चन कितने टाइम में कर सकते हैं, 100 क्वेश्चन आप लोग सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट्स या 50 मिनट से भी पहले कर लेंगे, तो मतलब 2 घंटे में आप लोग 200 से क्वेश्चन कर सकते हैं, 200 क्वेश्चन 2 घंटे में आराम से हो जाते हैं।
क्योंकि आप जब भी चैप्टर पढ़ के आए हैं तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते जाते, कभी भी क्वेश्चन रुकते नहीं है। टाइम कब लगता है? जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, जब क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ता है तब यहाँ पर टाइम लगता है, अदरवाइज टाइम नहीं लगता। आप क्वेश्चन बैंक फॉलो कर सकते हैं, नोट्स और क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए 9896160956। आपको जो है सैंपल्स भेज दिए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक के भी सैंपल्स भेज दिए जाएंगे, और नोट्स अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आपको हिंदी मीडियम में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना मीडियम बता दीजिए, उस मीडियम के अंदर आपको सैंपल्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद एक है फैक्ट बुक। कोई ऐसा बच्चा है कि सर नोट्स की तो फीस नहीं है मेरे पास, मैं नोट्स तो नहीं ले सकता, क्योंकि बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, वो फैक्ट बुक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने नोट्स और क्वेश्चन बैंक फॉलो कर लिया तो फिर आपको फैक्ट बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नोट्स और क्वेश्चन बैंक फॉलो नहीं कर पा रहे तो आप लोग फैक्ट बुक जो है फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप अपने मीडियम में, चाहे हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम में, डाउनलोड कर सकते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है कि सर मैंने नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सब चीजें लास्ट ईयर मैंने कर ली थी और जो है मेरे को ये सारा कुछ तैयार है, अभी मुझे सिर्फ करंट अफेयर की जरूरत है, तो करंट अफेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग करंट अफेयर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके पेमेंट करेंगे, करंट अफेयर आपके पास पीडीएफ फाइल आ जाएगी, सारे उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं 30 दिन लगातार, आप जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा, जब भी आप लोग देख रहे हैं, अगर आप इतना सा कर लेते हैं जो मैंने बताया इन चीजों में, इन वीडियोस में जो मैंने बताया यहाँ पर, अगर आप इतना फॉलो कर लेते हैं आपका प्रीलिम्स होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये नोट्स और क्वेश्चन बैंक एक बार कवर करने के बाद कोई भी पेपर उठा के देख लेना, आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं। और जब दूसरी और तीसरी बार क्वेश्चन बैंक को रिवाइज कर लोगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर भी याद रहने लग जाएंगे। तो ये अपनाई हुई चीजें हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा इसको फॉलो किया गया है और उनको बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। तो अगर आपको जो है प्रीलिम्स क्लियर करने में कोई भी परेशानी है तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, नोट्स और क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर सकते हैं, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। मेंस के लिए फिर अलग से आपको तैयारी करवा दी जाएगी, तो मेंस में कुछ ज्यादा टाइम नहीं होता, मेंस में सिर्फ आंसर राइटिंग की एक होता है कि एक वे कि कैसे आंसर एक लिखा जाए अच्छा। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए तो नॉलेज तो आपके पास आ चुकी होगी, फिर उसके बाद उसको नॉलेज को सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, हमें आंसर पेपर पे कैसे लिखना है, वो चीजें आप में मेंस के अंदर सीखनी होती है। कोई डाउट हो पूछ लीजिए, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया, आप व्हाट्सएप करके जो है सारी चीजें पता कर सकते हैं। धन्यवाद।